दक्षिण पश्चिम मानसून ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। महाराष्ट्र में दस्तक देने के बाद मानसून पश्चिम बंगाल पहुंच गया है और अब जल्द ही मानसून के बिहार पहुंचने की भी उम्मीद है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का अनुमान है कि आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में गर्मी में बढ़ोतरी हुई है क्योंकि तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन लू से अभी तक राहत मिली हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने इस पर कहा कि क्षेत्र में 15 जून तक लू चलने की संभावना नहीं है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता ऋषभ पांडे फिलहाल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऋषभ, मॉनसून की जो गति है उसने अपनी रफ्तार को पकड़ लिया है, दक्षिण पश्चिम मॉनसून ने अपनी रफ्तार को पकड़ते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंच चुका है और कितने क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है, राजस्थान में कब तक इसका प्रवेश मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए जयती, उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में समय गर्मी बढ़ी हुई है। कहीं ना कहीं जो तापमान है वो 40 डिग्री के आसपास चल रहा है, जिसके कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दक्षिण पश्चिम जो मानसून है उसने रफ्तार पकड़ी हुई है, वो महाराष्ट्र में के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचकर जल्द ही बिहार में दस्तक दे सकता है। हालांकि यदि बात कही जाए तो अगले 24 घंटे में मुंबई में भी जो मानसून है वो दस्तक देगा। हालांकि यदि बात राजस्थान की करी जाए तो राजस्थान में अभी तक मौसम विभाग ने 25 जून की तारीख दे रखी है, जिसको लेकर उन्होंने मानसून की दस्तक की डेट दी है। हालांकि यदि अभी फिलहाल देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो गोवा, महाराष्ट्र इसमें दस्तक दे चुका है। हालांकि जिस तेजी से मानसून बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं जो अगले 24 घंटे और 48 घंटे हैं उसमें अधिकांश क्षेत्रों में बारिश होने की भी बात कही जा रही है। हालांकि यदि मौसम विभाग की आज की मानी जाए तो आज मौसम विभाग ने यूपी, राजस्थान, हरियाणा समेत कई प्रदेशों में बारिश और आंधी तूफान की चेतावनी जारी की हुई है। जी जयती, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया ऋषभ।